सीएमओ बिलासपुर कार्यालय में हेल्थ सुपरवाइजर के पद पर तैनात एक कर्मचारी पर युवती को फर्जी तरीके से कोविड वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने 44 साल की कम उम्र की युवती का फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाकर चंगर सेक्टर में स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण करवा दिया। जिस फॉर्म के आधार पर वैक्सीनेशन लगाई गई थी उस पर मेडिकल स्टोर की ही स्टैंप लगाई गई है, जबकि केमिस्ट वर्कर को वैक्सीन लगवाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की मोहर आवश्यक थी। हैरानी की बात यह है कि 22 वर्षीय युवती जिसे वैक्सीन लगाई गई वो ना तो फ्रंटलाइन वर्कर है और ना ही किसी मेडिकल शॉप में काम करती है। ऐसे में इस तरह से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की भी इस मामले में संलिप्तता पाए जाने की आशंका जताई जा रही है। उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्बाल ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है। एमओएच डॉक्टर परविंदर सिंह को इस संदर्भ में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है। संलिप्त आए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि जिला बिलासपुर में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को टीकाकरण के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि स्लॉट 20 से 30 सेकंड में फुल हो रहा है, जिससे जिला के अधिकतर युवा पीढ़ी अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवा पाई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से वैक्सीनेशन करवाना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। पिछले कल जो है कुछ वैक्सीनेशन के संबंध में कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि कई अपात्र लोग भी जो हैं उनको वैक्सीनेशन जो है लगाई जा रही है, और उसमें फॉर्म भरने के लिए जिनको प्राधिकृत किया गया है वो प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ना होके कुछ अन्य लोगों के ही हस्ताक्षर उसमें हैं। तो ये हमारे ध्यान में मामला आया है और इसको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर हैं उनको जो साथ में उनके पास एमओएच का चार्ज भी है उनको हमने डॉक्टर परविंदर सिंह हैं उनकी ड्यूटी इसमें लगाई है कि शीघ्र इसके बारे में इंक्वायरी करें और अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट हमें दें। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई।